हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो दोस्तों? होप कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे। मैं भी ठीक हूँ अपने घर में दोस्तों। तो आज कुछ यार नया रह जाए, आज नया दिखाते हैं, क्योंकि बार बार क्या एप्पल एप्पल एप्पल, आज आपको नया दिखाते हैं जो पहली बार शुरुआत की है मैंने। तो आज आपका उसके दर्शन कराएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ अगर जिसको भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूले, और जो नए चैनल पे आते हैं प्लीज़ चैनल का बटन भी दबाना ना भूले दोस्तों। ओके, चलते हैं गार्डन में। तो हमारी स्ट्रॉबेरी आ गई है ऐसी कंडीशन में, अब इनको आज तोड़ना है, आज इसकी हार्वेस्टिंग होगी। देख दो दोस्तों कितनी शानदार है, ये देख दो, ये नजर आ रहे ना बीज होते हैं इसके स्ट्रॉबेरी के। इसको निकालने का भी तरीका है दोस्तों, इसको निकालने का तरीका है, ये जो बीज होता है स्ट्रॉबेरी का बीज, देखो सामने स्ट्रॉबेरी का बीज ये नजर आ रहा है आप, इसमें ये छोटे छोटे दाने हैं ना, ये बीज है स्ट्रॉबेरी के। इसको निकालने का तरीका होता है छुरी पैनी लेके इसके जो ऊपर की तह होती है ना, इसको काटना होता है बड़ी सावधानी से, ठीक है। चार चार या पांच स्टेप में, मतलब इस तरह पपड़ी जैसी आती है बाहर की जो चमड़ी होती है वो काटनी होती है। फिर उसको, ये भी पक रहा है नहीं, ये तो छोटा, फिर उसको जो है किसी कागज या किसी टिश्यू पेपर में रखना पड़ेगा। इधर भी पक रही है तो टिश्यू पेपर में रखना पड़ता है, तो फिर ये 2-3 दिन तक रखना पड़ता है सुखाने के लिए। उसके बाद उसको रब करो, आप उस चमड़ी को रब करो तो वो जो बीज होता है छूट जाएगा, तो उसको आप बीज सकते हो, उसको आप बीज सकते हो, तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी उत्पन्न होगी। आप बाजार से भी ले सकते हो, आपको स्ट्रॉबेरी के पौधे नहीं है कोई बात नहीं, आप बाजार से स्ट्रॉबेरी खरीदो पकी हुई जो होती है, उसके आप इस तरह से छिलके निकालो, उसके बाद उसको किसी टिश्यू पेपर पर रखो, पतले पतले छिलके होते हैं ये, इसमें बीज होता है ये जो मैं दिखाया ना आपको, अगर किसी ने नहीं देखा तो दोबारा दिखाता हूँ। ये बीज होते छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इसमें दाग जैसे होते हैं, ये वाइट वाइट जो है ये बीज होता है स्ट्रॉबेरी का, ये नजर आ रहे ना, ये बीज है सारा स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी में अंदर बीज नहीं होता, ये बीज होता है बाहर से। तो इसको छिलका काट के आप टिश्यू पेपर में रख सकते हैं, आप दूसरे पेपर में रख सकते हैं, टिश्यू पेपर में इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें चिपक जाता है इजिली से, दूसरे पेपर से छूट भी सकता है। तो फिर उसके बाद 2-3 दिन सुखाओ उसको, उसके बाद झाड़ दो और वो बीज उत्पन्न होगा। और बीज को उत्पन्न करने के बाद आप उसको कहीं भी गमले वगैरह में लगा सकते हो, और उसमें 50% आपकी मिट्टी होनी चाहिए, गार्डन सॉइल जो होती है वो होनी चाहिए, और 25 से 30% आपकी जो है कंपोस्ट खाद होनी चाहिए, गोबर की गली सड़ी देसी खाद जो होती है वो होनी चाहिए, और कोकोपीट, कोकोपीट जो होता है जो नारियल का जो बुरुदा होता है जो बना होता है केक टाइप से होता है, उसका मिक्सचर भी अगर करेंगे आप तो बहुत ही बढ़िया उगता है वो, जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है। एक आप 500-600 ग्राम का जो कोकोपीट का पैक, क्या नाम, टिक्की टाइप होती है, वो कम से कम 8 से 9 10 तक 8 9 8 9 7 8 9 लीटर पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो उसको भी आप मिलाए 25-20% उसको मिलाए, 30% आप वर्मी को पोस्टों मिलाए, और 50% आपकी गार्डन मिट्टी हो गई, उसको आप मिक्स कर दो, मिक्स कर दो, तो उसके बाद उसमें ये बीज बोलो, तो एक मंथ या 40-45 दिन के बाद आपके पास रिजल्ट निकल जाएगा। और अगर वो बीजते हैं तो उसको आप उसको ढक के रखना पॉलिथीन से, ताकि उसमें हवा ना जाए, ढक के रखना, तो आप रिजल्ट देखोगे कि आपकी स्ट्रॉबेरी उग जाती है। तो उसको वहां से आप इंसर्ट कर सकते हो, सॉरी पट सकते हो, पटने के बाद आप दूसरी जगह लगा सकते हो कहीं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का तो एक सिस्टम ऐसा होता है ना, फैलती बहुत है, उसमें चैनल बनते हैं स्ट्रॉबेरी में, चैनल जो इस तरह से चैनल देख लो, इसके चैनल जो है ना यहाँ बने, देख लो देखो यहाँ पे डॉगी चला हुआ, इसने डॉगी ने जो है ना प्रेस कर दिया था इसको, शुक्र हुआ इसने स्ट्रॉबेरी नहीं खाई, मैंने समझा कहीं खा ना दे। चैनल इस तरह से बनते, देख लो एक चैनल यहाँ बना,
यहाँ से गई, ये देख लो इधर से ये आगे आगे यहाँ यहाँ उग गई है, ठीक है। एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन रहा, तो इस तरह से चैनल बनता रहता है दोस्तों। तो आप स्ट्रॉबेरी आप अपने घर के छत के ऊपर लगा सकते हो और अपने खाने के लिए लगा सकते हो। अगर आपने बिजनेस करना तो उसके लिए वास्ट क्वांटिटी में लगाना पड़ता है। और स्ट्रॉबेरी में जब लगाते हो, जब आपका फल लगता है, फल के जो नीचे होता है, जो जमीन होती है, मिट्टी होती है, इसमें जो है ना आप धान का जो भूस टाइप होता है वो इजीली से मिल जाता है। कहाँ पे मिलेगा, बल्कि जहाँ पे धान के कूटने की जो मशीनें लगी होती है वहाँ मिल जाता है। धान हो गया, गेहूँ हो गया, कोई भी भूसा टाइप जो होता है उसको बिखोरना बिछोड़ना पड़ता है इसमें नीचे। वो इसमें नमी लाने का काम भी करता है। और आपका जो फल होता है ना, जैसे मैंने तो यहाँ मेरे पास भूस तो था ही नहीं, तो मैंने जंगल से जो ये देख लो लगाया, तो भूस तो था नहीं, तो फिर मैंने इस तरह से लगाया। तो वो होता क्या है, क्यों डालते हैं उसको नीचे, इसके नीचे, उससे आपके फंगस वगैरह नहीं लगते। वो आपकी जो स्ट्रॉबेरी लगी है वो खराब नहीं होती, क्योंकि वो सूखे घास के ऊपर होती है, उसमें फंगस वगैरह लगने के चांसेस नहीं होते। और पत्ते भी जो होते हैं इसके, इसमें भी फंगस नहीं लगता। तो ये इसलिए डाला जाता है क्योंकि मिट्टी से खराब होने के चांस रहते हैं। तो अगर वो भूस डाला होगा आपने तो स्ट्रॉबेरी बहुत प्यारी लगेगी, उसके ऊपर बहुत प्यारा रहेगा। तो इसका हार्वेस्टिंग का टाइम भी आ गया दोस्तों, तो मैं हार्वेस्टिंग करूंगा। तो मैं जानकारी दी आपको इस तरह से स्ट्रॉबेरी की। बाकी इसमें खाद जो होती है 1919 जो होता है, क्या नाम, उसको भी डाल सकते हैं। कोई भी आप ऑर्गेनिक खाद भी डाल सकते हो, उसको छिड़काव कर सकते हैं या डाल सकते हो। तो अब करते हैं क्लोज दोस्तों, काफी लंबा हो गया ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग।